सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। इस स्टॉक में आज के दिन 5 पैसे की करेक्शन देखने को मिल रही है और ये स्टॉक एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का एक लो बना 132 रुपीज का। 132 रुपीस के स्टॉक ने एक लो बनाया और यहां से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक ने एक टॉप बनाया तो 153 रुपीस का। 153 रुपीस के स्टॉक ने एक टॉप बनाया जब 132 रुपीस से स्टॉक में वन वे रैली देखने को मिली। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली और स्टॉक ने 136 रुपीस के प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहां से स्टॉक में फिर से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलता है। स्टॉक में नीचे का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 142 रुपीस। इस पॉइंट पर स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है क्योंकि स्टॉक 142 रुपीस के बाद एक अच्छा डिमांड जोन देखने को मिलता है और स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते तो 142 रुपीस के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 170 रुपीस के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 152 रुपीस। एक बार स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी रैली दिखाता हुआ नजर आएगा, पर जब तक स्टॉक 152 रुपीस से नीचे रहता है स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।